नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा खबरिजानी। विस्तार से सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। मध्य प्रदेश के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में 25 दिसंबर यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे होगा। इसको ध्यान में रखकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि मंत्रियों के नामों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ की आज फिर से दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा होगी। आपको बता दें कि कमलनाथ ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण फाइलें निपटाई और अधिकारियों को अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिए। 20 दिसंबर को वे दिल्ली रवाना हो गए थे और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर मुख्य मकसद मंत्रिमंडल का गठन होना है और प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों पर चर्चा है। हम आपको बता दें कि अहम जानकारी दी मिल रही है कि राज्य विधानसभा में 230 सदस्यों के मान से मंत्रियों की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। एक अनुमान है कि कमलनाथ के मंत्रिमंडल में अभी करीब 21 मंत्री होंगे। मंत्रियों के शेष पद रणनीतिक तौर पर रिक्त रखे जाएंगे। इससे पहले सीएम कमलनाथ कह चुके हैं कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य समीकरणों को देखकर ही नेताओं और विधायकों को मंत्री बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है।